और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। मुख्तार के घर पर मातम पुरसी करने पहुंचे हैं अखिलेश। अफजल अंसारी के बेटे उमर ने किया अखिलेश का स्वागत। ओवैसी भी जा चुके हैं मुख्तार अंसारी के घर, यानी सियासी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अफजल अंसारी से मुलाकात की उन्होंने। आलोक पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे। आलोक, वैसे तो मुख्तार के यहाँ जाने का मतलब यह है कि अफजल अंसारी सांसद हैं और सियासी तौर पर भी, लेकिन इस वक्त में ये दौरा क्या सियासी माने हैं इसके? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंच के मुख्तार के वहां अगर कहा जाए उनकी कब्र पे जाकर के अपना वो दुख व्यक्त करते हैं, उनके परिवार वालों से मिलते हैं, तो राजनीति के इस माहौल पर और ऐसे समय पर जाने पर उसे राजनीति से ही जोड़ा जा रहा है। और शायद यही वजह है राजेश पाठक डिप्टी सीएम और केशव मौर्य दोनों ने अपनी टीम पड़ी की कि अब इस तरह से जाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन सवाल ये यही है कि अगर हम राजनीतिक रूप से देखें पूर्वांचल के, तो इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि पूर्वांचल की तरफ मुख्तार का न सिर्फ अपना माफिया का साम्राज्य था, बल्कि जिस तरह से वो सियासत में आ चुका था, कहीं ना कहीं वो सियासत की पकड़ हमेशा रखता था। अफजल अंसारी हमेशा सत्ता में या तो उस वक्त की सरकारों में विधायक सांसद इन सब को लेकर के मुख्तार अंसारी का दबदबा बना रहा। और उसी तरह से इसको भी देखा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं तो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के, पूर्वांचल में अपनी पार्टी को लेकर के कुछ ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खड़े हैं मुख्तार अंसारी के साथ। और वो मैसेज अपने आप में अगर कहा जाए कम्युनिटी तक में जाता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने वहां पर जाकर के परिवार का हालचाल लिया। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो राजनीति में इस तरह के मुलाकातों को भी लोग बड़े भली भांति से समझ लेते हैं, और इस तरह की मुलाकातें कितनी ज़्यादा बाद में फ़ायदा करती हैं, वोट बैंक में बदल पाती हैं, ये सब बात की देखने वाली बात होती है। मैं कल उस कुछ ऐसे इलाकों में गुजर रहा था तो उसमें भी यही बात हुई थी, जो मन बना चुके हैं वो मन बना चुके हैं। सवाल ये भी था कि जब वो जेल में थे तो फिर यही अखिलेश वहाँ क्यों नहीं मिलने गए। तो ये कुछ ऐसे सवाल जवाब हो जाते हैं जिन्हें देख करके लोग आगे का फैसला हैं, लोगों से सहानुभूति जता रहे हैं, बात कह रहे हैं। चीजें है पूर्वांचल की तरफ की राजनीति को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ खींच के घर जाकर। चलिए आलोक, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। गाजीपुर का रुख करें, सुरवीर हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुरवीर, मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? बता दें आपको कि वहाँ मुख्तार अंसारी के आवास पर वहाँ पर मीडिया को दूर रखा गया था, अंदर क्या बातें हुई अभी संख्या नहीं बाहर आ सकी है। वहाँ पर अफजल अंसारी, उमर अंसारी और सुहेब अंसारी ये लोग और परिवार के अन्य सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की। वहीं पर कुछ वरिष्ठ नेता लोग भी थे, उनकी पार्टी थे, उनसे भी उन्होंने अखिलेश यादव जी ने बात की। ये लगभग मुलाकात कितने देर तक चली है और समाजवादी पार्टी के और कौन कौन से लोग थे वहां पर सूर्यवीर? समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, MLC ये लोग थे, उसके साथ ही इनकी मुलाकात वहाँ लगभग 40 मिनट तक की हुई है। चलिए आप नजर बना के रखिएगा आलोक और सुरवीर, आपसे लगातार आगे अपडेट लेते रहेंगे।